सो हे फ्रेंड्स, दिस इज धर्मेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग धर्मेंद्र टेक। तो होप सो आप सभी लोग वेल एंड फाइन होंगे गाइस। तो गाइस आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आ गया एक और नया एक्साइटिंग वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे स्मॉलेस्ट सॉफ्ट बॉक्स के बारे में और उसको करेंगे अनबॉक्स और बताएंगे कैसा है उसका लाइटिंग इफेक्ट, कितना इम्प्रूव कर सकता है आपकी वीडियो को और कैसी क्वालिटी आती है आपकी वीडियो के अगर आप उस सॉफ्ट बॉक्स को यूज करते हैं। तो गाइस अगर आप एक फोटोग्राफर यार अगर आप ही बनाते हैं कुछ वीडियोस तो गाइस बने रहेगा हमारे साथ, हम बताएंगे आपको इस सॉफ्ट बॉक्स के बारे में हर बार। तो चलिए शुरू करते हैं। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need a... तो ये सबसे पहले तो जल्दी से हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करके कर दीजिए उसको ऑल पर, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स करो, अनरैप ही होगा। वैसे इसमें हमें एक पाउच मिलता है ब्लैक कलर का, तो चलिए इस पाउच को देखते हैं। पहले इसमें देख लेते कुछ और तो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक अमेज़ॉन का बिल है, इसको साइड पे रख देते हैं। तो इस पाउच को जल्दी से हम ओपन करते हैं कि इस पाउच में से हमें क्या निकल कर मिलता है। तो गाइस इस पाउच के नीचे से हमें हमारा सॉफ्ट बॉक्स आप देख सकते हैं, ये है हमारा सॉफ्ट बॉक्स थोड़ा सा, बस इस पाउच को साइड पर रख देते हैं। बेसिकली गाइस ये सॉफ्ट बॉक्स वो बॉक्स है जो हमारे कैमराज होते हैं ना DSLR पे, उनकी जो फ्लैश लाइट होती है उनके ऊपर ये लगता है, ये उसी काम में यूज़ आता है आप देख सकते हैं। तो गाइस इसका फैब्रिक आप देख सकते हैं, गाइस काफ़ी अच्छा क्वालिटी का इसका फैब्रिक है और काफ़ी अच्छा अंदर से भी आप देख सकते हैं। सो नाउ गाइस जैसे कि आप सभी लोगों ने अनबॉक्सिंग देख लिया है, तो गाइस अब मैं अपने टीममेट को चाहूंगा कि वो हमें को एक बार लाइट बंद कर दिखा दे कि कैसा इफेक्ट आता है। ये लाइट चल रही है अभी, तो प्लीज लाइट बंद कर दीजिए। तो गाइस आप देख सकते हैं एकदम से अंधेरा हो चुका है मे बी, तो अभी हम लाइट ऑन करते हैं, प्लीज ऑन कर दीजिए। तो गाइस ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइट का इफेक्ट है काफी ज्यादा अच्छा पड़ रहा है। और बस गाइस इसमें आप अगर आप शुरू कर रहे हैं लाइटिंग, अगर थोड़े बहुत ही बजट लाइटिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया एक सॉफ्ट बॉक्स है। लेकिन गाइस इसमें प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि मेरे पास अभी कोई स्टैंड नहीं है, तो मैंने एक स्टैंड भी ऑर्डर किया हुआ है और एक शू भी ऑर्डर किया हुआ है, तो इसलिए मेरे को एक मतलब कि ऐसा हो जाता है कि किसी को पकड़ने की पड़ता है इसको अगर इसको ऑपरेट करना हो। तो इसलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि एक मैंने स्टैंड मंगाया है और एक मैंने उसको होल्डर भी मंगाया है। लेकिन पहले मैं ये जो लाइट है वो एक नॉर्मल सी LED लाइट है 9 वॉट की, उसको ही मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें क्या है कि जो मेरा होल्डर है उसका गाइस जो वायर है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ से तार जा रही होगी, आप देख सकते हैं वीडियो में शायद आपको दिख रही होगी। तो ऐसे ही हमने काफ़ी जुगाड़ लगाकर अभी भी किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने एक सीढ़ी रखी हुई है उसके ऊपर हमने उसको लाइट को रखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ लगाया हमने तो तभी ये लाइट सेट हुई है। तो इसीलिए गाइस काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है इसको ऑपरेट करने में, लेकिन अगर आप चाहें तो वो इसलिए कुछ इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर आप चाहें तो आपका अच्छे से लो बजट में भी ये अच्छी लाइट बन रही है। और ऐसा है कि अगर आपके पास कुछ भी ऐसा आप जुगाड़ लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी एक स्टैंड की ज़रूरत ही है ख़रीदने की, आप एक जुगाड़ लगाकर भी इस लाइट को अपने ऑपरेट कर सकते हैं। तो गाइस मेरे लिए तो ये बहुत ही बढ़िया एक बजट लाइट है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ थी उनमें गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं आता था लाइट के कारण। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी लाइट है और मेरे को आप देख सकते हैं सॉफ्ट बॉक्स की इसकी जो लाइट बोल रहा हूँ सॉरी सॉफ्ट बॉक्स सॉफ्ट बॉक्स क्या है गाइस काफ़ी, अगर मैं पहले भी कई बार मैंने कुछ वीडियो में मैंने इस लाइट को यूज़ किया था LED जो मेरे पास 9 वॉट की है, तो उसमें क्या होता था गाइस अगर मैं लाइट की तरफ देखता था तो गाइस काफ़ी आंखों में चुभती थी, तो गाइस उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इसलिए मैंने एक सॉफ्ट बॉक्स मांगा कि मैंने एक सॉफ्ट बॉक्स ले लेता हूँ। तो गाइस पहले मैं देखने का कि सॉफ्ट बॉक्स तो काफ़ी बड़े थे गाइस, महंगे काफ़ी हैं वो, कुछ 1200 तो कुछ भी नहीं है, अभी काफ़ी ज़्यादा रेट हाई चल रहे हैं 1700-1800 के ऊपर चल रहे हैं अभी सॉफ्ट बॉक्स के रेट। और इसलिए मैंने सोचा कि अभी क्या करें सॉफ्ट बॉक्स को, फिर मैंने सोचा रिंग लाइट लेते हैं। रिंग लाइट भी गाइस ऐसा है कि जो हमारी 1000-1200 के बीच में कोई अच्छी रिंग लाइट नहीं आती है, उसके साथ भी मेरे को 4000 की एक डिजिटेक की रिंग लाइट ही है जो वही सी बेस्ट रहती है। तो इसलिए मैं और स्क्रोल डाउन करता गया अमेज़ॉन पर तो मुझे ये सॉफ्ट बॉक्स मिला मिनी सा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जुगाड़ लगा लेंगे कुछ ना कुछ। तो गाइस हमारा जो जुगाड़ है वो लग गया है,
तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइट अच्छी आ रही है। तो अगर आप भी इसको परचेज़ करना चाहते हैं गाइस, तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और मेरे को यह गाइस ये पड़ी थी मे बी 350 रुपये के अंदर अंदर पड़ी थी। आप चेक कर लीजिएगा आपको इसका रेट क्या शो कर रहा है। तो गाइस बस आज की वीडियो में मैंने इतना ही था। अब मैं आपको जल्दी से इसका जो स्टैंड है और इसका एक जो मैंने होल्डर मंगवाया हुआ है वो भी इसका आ रहा है, तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। फिर मैं बताऊँगा कि मैंने इसको कैसे सेटअप किया है, अभी तो मैं दिखा नहीं सकता, काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ लगाया हुआ है हमने। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again.